जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बर्बादी के चार कारण। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन से चार कारण हैं, अगर हम वो अपने जीवन में करते हैं तो हम बर्बाद हो सकते हैं। पहला जो मुख्य कारण है वो है ओवर थिंकिंग। अभी ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब है कि किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली सोचना और उसको पर्सनली लेके चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, ये कोरोना वायरस क्यों आया? अब मेरा क्या होगा? अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अरे मेरा तो एग्जाम आने वाला था, इस एग्जाम का क्या होगा? कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? कहीं मेरा जो सपना है ऑफिसर बनने का वो चकनाचूर तो नहीं हो जाएगा? मेरे दोस्त ने मुझको क्यों छोड़ा? मेरा दोस्त आजकल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? मुझे लोग अच्छा क्यों नहीं मानते? लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? अगर मैं उससे बात करूंगा कहीं वो मुझसे बात करने को मना तो नहीं कर देगा? तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक ओवर थिंकिंग है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। अब लेट सपोज आपके फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है, क्या ये आपको पता है? आपके पास्ट में जो आपके साथ हुआ है वो तो हो गया है, क्या उसमें आपका कंट्रोल है? हमें पता है ना ही हमारा पास्ट में हमारा कंट्रोल है और ना ही हमारे फ्यूचर में हमारा कंट्रोल है। तो हमारा कंट्रोल किसमें है? हमारा जो कंट्रोल है हमारे प्रेजेंट में है। हमें प्रेजेंट में रहना है और अपने आज को बेहतर बनाना है, और किसी भी चीज को हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम एज ए स्टूडेंट? अभी आप क्या कर सकते हो? आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, सर उसकी डेट्स का क्या है, वो चीजें कब होंगी, एग्जाम में सर क्या होगा, एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, क्या इसमें आपका बस है या इसमें आपका कंट्रोल है? सर कोरोना वायरस कब चले जाएगा, क्या इसका जवाब किसी के पास है? नहीं। अभी क्या कर सकते हैं? आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। मैं अपने सारे स्टूडेंट से यही कहता हूं कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और ओवर थिंकिंग को छोड़ दो। जिन चीजों में आपका बस नहीं है उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए अपने प्रेजेंट में। तो पहला जो कारण था वो था ओवर थिंकिंग। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जिससे आप बर्बाद हो सकते हो वो है बिना लक्ष्य के चलना, मतलब बिना गोल के काम करना, बिना लक्ष्य के जीवन में चलना। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है? हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, ये डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये जो उनका गोल है कि मुझको ऑफिसर बनना है फोर्सेस में, तो यही आपको प्रेरणा देगा, यही आपको बताएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अलग अलग तरीकों में अलग अलग लोगों का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य होगा कि मुझको फिट होना है इसलिए मुझको ट्रेनिंग करनी है, मुझे हेल्दी फूड खाना है। किसी का एम होगा कि मुझे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बुक्स रीड करनी है, मुझे प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करनी है, मुझको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। तो किसी का लक्ष्य ये होगा। बिना लक्ष्य का जो जीवन है वो कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको दूसरे दिन सुबह क्यों उठना है। तो ये दूसरा बर्बादी का कारण है, अगर किसी के जीवन में लक्ष्य नहीं है तो वो बर्बाद होने वाला है। तीसरा जो मुख्य कारण है बर्बाद होने का वो ये है, कुछ लोग हैं जो सही वक्त का इंतजार करते हैं। मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई तब करूंगा जब आखिरी महीना बचेगा, उससे पहले कोई तैयारी नहीं। मैं ये काम तब करूंगा जब ऐसा होगा। तो वो राइट टाइम क्या होता है? आज टुडे इज द राइट टाइम, आज का जो दिन है ये सही है। अगर आपको किसी चीज की तैयारी करनी है तो वो आज है, आपको आज से ही अपनी तैयारी करनी है, और वो आज आपके पास कल नहीं आने वाला। तो आज को आपको अपने बेहतर बनाना है, आप अपने गोल सेट करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और ये काम आपको करना है।
तो इस तरीके से अगर आप किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आज जो है यही अच्छा वक्त है और आपको आज ही को अपने यूटिलाइज करना है, आज ही को आपको प्रयोग में लाना है और आज को बेहतर बनाना है। अगर आप आज को अपने बेहतर बनाते हो तो वही आपका अच्छा वक्त बनेगा। चौथा जो कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है, चौथा जो कारण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो लोग बर्बाद होंगे 100% होंगे जो लोग वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको चाउमीन खाना पसंद है, मोमोज खाने पसंद है, पिज्जा खाना पसंद है। रिजल्ट क्या होगा? ओबेसिटी, वो मोटे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं उनको बिस्तर में पड़े रहना पसंद है, उनको बिस्तर में पड़े रहना पसंद है, उनको कुछ करने का मन नहीं करता, सोने का मन करता है, घूमने का मन करता है। और जो लोग अपने मन की करते हैं वो लोग असफल होते हैं, वो लोग बर्बाद होते हैं, उनका बर्बाद होना तय होता है। तो आपको वो काम करना है जो आपको पसंद नहीं है। आपको सुबह उठना पसंद नहीं है तो आप उठो, अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो आप एक्सरसाइज करो। ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन से आपने अपने जीवन में वो काम करना शुरू कर दिया जो आपको पसंद नहीं है तो उस दिन आप सफल हो जाओगे। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होगा, आप फिट हो जाओगे। अगर आप हेल्दी फूड खाते हो तो आप क्या होगा, आप हो जाओगे। अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता और आप पढ़ाई करते हो तो आप ऑफिसर बन जाओगे। तो सोचना आपको है कि हमें क्या करना है, हमें वो करना है जो हमें पसंद है या फिर हमें वो करना है जो हमें नहीं पसंद है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो आपको पसंद नहीं है अगर आप वो करते हो तो आप वो बन जाते हो जो आप बनना चाहते हो। तो ये चार कारण जो मैंने आज आप लोगों को बताया, आप अपने अंदर जान के देखिए कि इनमें से कौन से चार चीजें हैं जो आप कर रहे हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, द चॉइस इज योर्स। जय हिंद, धन्यवाद।